अभी भेड़ और भेड़िए के लेखक हरिशंकर परचाई का क्या दी थी परिचय, उसके इनके बारे में बताई थी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके प्रसिद्ध लेख क्या थे, उनकी रचना क्या था, उपन्यास क्या था, और वे एक व्यंग्यकार परिचाई जी व्यंग्य लेखक के रूप में कहलाते थे और वे हमेशा सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में ही, भ्रष्टाचार के बारे में, शोषण के बारे में बहुत प्रसिद्ध थे। इसीलिए व्यंग्यकार किया जाता था। उनका व्यंग मनोरंजन के लिए नहीं था बल्कि गंभीर समस्याओं की वास्तविकता के बारे में वो एक बहुत प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग रूपरेखा, दैट्स माइंड मैप, उसके बारे में जानेंगे। पहला क्या है माइंड मैप का, रूपरेखा का, पात्र परिचय। ये पात्र परिचय के बारे में जानेंगे। पात्र परिचय मतलब भेड़ के बारे में। ठीक है, भेड़े भोली भाली नेक पशु। ठीक है, पहले भेड़ के बारे में, हम लोग भेड़े के बारे में बोल रहे हैं। और भेड़े क्या है, भोली है भाली है नेक पशु, भोली भाली नेक पशु हैं भेड़िया। देखो बच्चों, पात्र कौन कौन से पात्र हैं उनके बारे में हम लोग जान रहे हैं। और पहला पात्र कौन है, भेड़े, भेड़े के बारे में बोल रहे हैं। वे क्या है, भोली भाली है नेक पशु हैं। फिर भेड़िया क्रूर व दुष्ट पशु हैं, बूढ़ा सियार चतुर चालाक पशु भेड़िए की मदद करता है। फिर रंग रंग रंगे सियारे, मतलब तीन रंग के थे वो लोग, रंगे सियार थे भेड़िए का प्रचार करने वाले। कौन से हैं, पीला सियार, नीला सियार और हरा सियार। पीला नीला हरा। पीला सियार क्या है, विद्वान कवि लेखक। नीला सियार नेता और पत्रकार। हरा सियार धर्म गुरु हैं। अन्य छोटे छोटे पशु भी हैं उधर। ठीक है, उन लोग के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। हम लोग क्या जानेंगे, पहले भेड़े के बारे में जानेंगे। भेड़े, भेड़े क्या है, भोली भाली नेक पशु हैं। भेड़िया क्रूर व दुष्ट पशु हैं। बूढ़े सियार चतुर चालाक पशु हैं और वे भेड़ियों की मदद करते हैं। फिर रंगे सियार, भेड़िए क्या प्रचार करने वाले। बूढ़ा सियार आकर बोलता है ना, चापलूसी करता है। और भेड़ियों का वो तीन प्रकार के हैं, पीला सियार, नीला सियार, हरा सियार। ठीक है बच्चों, तो हम लोग भेड़े के बारे में जाने, फिर भेड़िया, फिर बूढ़ा सियार, फिर रंगे सियार। कितने प्रकार के हैं, तीन, तीन रंगों के हैं, पीले नीले हरे। पीले वाले क्या है, विद्वान है कवि है लेखक है। नीला सियार नेता और पत्रकार। हरा सियार धर्म गुरु हैं। ठीक है, और बाकी अन्य छोटे पशु के बारे में हम लोग नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ। अन्य छोटे पशु के बारे में हम लोग जब पाठ पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, अभी दूसरा रूपरेखा है माइंड मैप, घटनाक्रम। घटनाक्रम के बारे में बता रही हूँ, अच्छी तरह ध्यान से सुनो। एक जंगल के पशु जंगल का में प्रजातंत्र की स्थापना करने का निश्चय करते हैं, अर्थात जंगल में चुनाव होंगे और पशु समाज अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। घटनाक्रम क्या होता है बच्चा, कौन कौन सी घटना घटती है जंगल में, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। पहला घटना क्या है, एक जंगल के पशु जंगल में प्रजातंत्र की स्थापना, प्रजातंत्र की स्थापना करने का निश्चय करते हैं, अर्थात जंगल में चुनाव होंगे और पशु समाज अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। दूसरा वाला, उस वन प्रदेश में, देखो उस वन प्रदेश में 90% भेड़े थे, मतलब भेड़ों की संख्या ज्यादा थी, 90 था। अतः सरकार उनकी बनेगी, मतलब जिसका ज्यादा मेजोरिटी जिसका होता है वही बनता है ना बच्चों, तो मेजोरिटी भेड़ों के हैं और सरकार उन्हीं की बनेगी, वह कानून भी वही बनाएगी। लेकिन देखो दूसरा वाला, लेकिन
इधर भेड़ियों की संख्या बहुत कम है और भेड़ों की संख्या बहुत है, 90% है। तीसरा वाला, भेड़िया चिंतित व उदास है क्योंकि उनकी संख्या कम थी, क्योंकि उसे भूखा मरना पड़ेगा या शाकाहारी बनना पड़ेगा। बच्चों, मेजॉरिटी जिसका है वही जीतेंगे, वही कानून बनाएंगे, जंगल में वही राजा कहलाएंगे, और इसमें भेड़ियों की संख्या कम थी तो पहले से ही चिंता करने लगे और पहले से ही सोचने लगे कि हम भूखे मर जाएंगे और हमें शाकाहारी बनना है, अभी शाकाहारी बनना पड़ेगा। चौथा वाला, एक बूढ़ा सियार भेड़िए से कहता है कि यदि भेड़ियों को वोट मिल जाए तो कैसा रहे। देखो बच्चों, बूढ़ा सियार बीच में आता है और भेड़ियों को एक क्या देता है, आइडिया है कि नहीं। आइडिया को क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं आइडिया, अरे एक बात है कि नहीं, एक अच्छा सा बात कहते हैं, और कहते हैं कि भेड़ियों को वोट मिल जाए तो क्या होगा। एक इसके लिए भेड़ियों को सियार की सारी शर्त माननी पड़ेगी, सारी शर्त। भेड़ियों जब वो जीतना चाहते हैं, वो एक चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनकी कई शर्तें होती है, वो सारी शर्तों को भेड़ियों को मानना पड़ेगा। पांचवा वाला, भेड़िया सियार को अपना गुरु बना लेता है। देखो, सियार को और कुछ रास्ता नहीं है, कुछ चारा भी नहीं है, अब वो भेड़ियों को क्या, सिर्फ बात ही बात, बातों बातों में उन्हें चापलूसी करने लगता है और उनकी बातों में भेड़िया गिर जाती है और भेड़िया सियार को अपना गुरु मान लेती है। सियार की योजना के अनुसार भेड़िया संत हो गए। बाप रे, भेड़िया क्या हो गए, संत हो गए। उनको तिलक लगाकर, कंठी पहनकर तथा मुंह में घास के तिनके खाकर तैयार किया जाता है। देखो, सियार भेड़ियों को क्या करता है, उनको तिलक लगाता है, कंठी पहनाता है, मुंह में घास के तिनके घसाकर उनको तैयार कर देता है कि वो संत हो गए। तीन रंगे सियार भेड़िए का प्रचार करने के लिए चलते हैं। तीन रंगे, पीले, नीले, हरे, तीन रंगे है ना, वो तीन रंगे सियार क्या करते हैं, भेड़ियों को जिताने के लिए जंगल में प्रचार करने लगते हैं। सातवां वाला, देखो, भेड़ों की तथा अन्य पशुओं की सभा बुलाई जाती है। भेड़िया संत बनकर चुपचाप बैठता है। सियार भेड़ों से कहता है कि भेड़िया संत हो गए हैं, शाकाहारी हो गया है, मतलब संत हो गया है और शाकाहारी भी हो गया है, कौन, भेड़िया, ठीक है। पीले सियार के माध्यम से बूढ़ा सियार वहां एक चित, मतलब एकत्रित हो जाते हैं, एक टुगेदर, एकत्रित भेड़ों को समझाता है कि भेड़िया कितना महान है। नीला सियार जो नेतृत्व पत्र नेता, मतलब नेता बनना चाहता है, वो नेता पत्रकार है, वो नेता भी है पत्रकार भी है, नेता वो पत्रकार है, बोला कि भेड़िया बलवान है। भेड़िया क्या है, बलवान है, वो निर्बल भेड़ों की रक्षा करेगा। मतलब भेड़ कितना, देखो कितना अंडरएस्टिमेट करता है और कितना कमजोर समझता है भेड़ों को, भेड़ों निर्बल है और उनकी रक्षा करेगा, इसका मतलब वो बलवान नहीं है। कौन बलवान है, भेड़िया। ये सब प्लान किसका है, सियार का है, इसीलिए उसे अपना नेता चुने। हरा सियार जो धर्म गुरु था, उसने कहा कि जो यहाँ राजा बनेगा उसे स्वर्ग में राजा बनाया जाएगा। देखो बच्चों, कितना मस्का लगाते हैं, कितना मक्खन लगाते हैं, कौन लगाता है, ये जो तीनों रंगे से सियार है वो भेड़ों को, भेड़े बड़े मूर्ख है, बुद्धू है, नादान है, इसीलिए वो इनकी बातों में आ जाते हैं। फिर हरा सियार जो धर्म गुरु था, उनसे कहा कि जो यहाँ राजा बनेगा उसे स्वर्ग में भी राजा बनाया जाएगा। फिर इस तरह की सभाएं जंगल में जगह जगह हुई। भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िया ही उनका हित चिंतक व रक्षक है।
कितने नादान हैं, कितने बुद्धू हैं, कितने मूर्ख हैं। भेड़ों ने अपना वोट भेड़ियों को दिया, वे जनता के प्रतिनिधि बने। उनके कानून के अनुसार रोज भेड़े भेड़ियों का भोजन बनने लगे। देखो बच्चों, भेड़ों की संख्या 90% था, इनकी संख्या बिल्कुल नहीं था भेड़ियों का। अब क्या हुआ, सियार आकर ये सब कुछ किया बीच में, है कि नहीं। बोलते हैं ना, नारद मुनि यहाँ पे लगाए उधर लगाए, नारद मुनि के काम भेड़ियों ने, सियार ने भेड़ियों को किया, और इस तरह भेड़ियों को राजा बना दिया। और भेड़ियों का शर्त क्या था, रोज एक एक भेड़ों की भेड़ों उनकी भोजन बनेंगे, रोज नाश्ता में और दोपहर भोजन में, फिर रात के भोजन में भी उनको भेड़ों का मांस मिलेगा। तो घटनाक्रम समझ में आए बच्चों, 14 घटनाक्रम है और सारे 14 घटनाक्रम तुम्हें जानना जरूरी है।